वेट करते हैं, हमारा इशू भी क्लियर हो। अपर वाले भाई आ चुके हैं, उसकी पैमाइश कर रहे हैं कि जो है वो हमने सही तरीके से करनी है। अबे कैसी है? कमाल है, कमाल है। ये चेक करो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने काफ़ी सारा सामान अपनी लाली का दिखाया था, जिसमें उसकी हेडलाइट्स थी, फिर एक और हेडलाइट्स थी, और उसके बाद इंटरसेक्शन लाइट्स थी, उसके बाद एक पिटबुल डॉग था, LCD का पैनल था, और उसके बाद स्पॉयलर था, सनवाइज़र था, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज हम अपनी लाली पे इंस्टॉल करेंगे और उसको चेक करेंगे, जिनमें से पहले नंबर पे इसकी इंटरसेक्शन लाइट्स आती हैं। इंटरसेक्शन लाइट्स जो हैं वो मैंने फर्स्ट टाइम लगानी है, देखते हैं वो किस तरह से उनकी फिटिंग आती है, किस फिट तो आपके भाई ने कर ही लेनी है। और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर हमने इंस्टॉल करनी है इसमें हेडलाइट्स, वो प्रोजेक्टर वाली, जो प्रोजेक्टर वाली हमारी आई थी USA से, वो हमने इंस्टॉल करनी है, और उसमें LED इंस्टॉल करनी है। और उम्मीद करते हैं उसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि उसमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि ब्राइटनेस का काफ़ी इशू है, तो वो उम्मीद करते हैं हमारा इशू भी क्लियर होगा। और उसके बाद उसका DRL जो है वो भी बहुत खूबसूरती से उसका जो है ग्लो करता है, वो उसका भी कनेक्शन हमने आज करना है। और उसके बाद एक पावर ऑयल की बॉटल है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सारा का सारा काम जो है खैर खैरियत से ठीक ठाक हो जाए। और मैं शॉप पे पहुँच आया हूँ, और रास्ते में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि सारा यही इंट्रो था, लेकिन वो सारी ख़राब होगी वीडियो, इस तरह के एग्जॉस्ट मेरा ऑन था, और एग्जॉस्ट का जब मैंने आके वीडियो चेक की तो एग्जॉस्ट का काफ़ी उसमें शोर आ रहा था, जिस वजह से वो फिर वीडियो में स्किप करनी पड़ी और ये नई वीडियो बनानी पड़ी। तो अभी ये हमारे बम्पर वाले भाई आ चुके हैं, तो उनको मैंने जो है इंटरसेक्शन लाइट वो चेक करवाई हैं, और फिलहाल उनके हम वहाँ पे हॉल करेंगे, और हॉल करके वहाँ पे वो पूरी की पूरी फिट करेंगे। तो ये हमारे बम्पर मास्टर आ चुके हैं जी अपने काम का आगाज़ करने। तो इन्होंने मुझे कहा है जी ये अपना निशान मैं इनको लगा दूँ, जिसके बाद ये अपनी कटिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। तो सामान जो भी था वो पिछली वीडियो में मैंने सारा आप लोगों को चेक करवा दिया था, तो जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो जो आगे वो देख सकते हैं आप, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ये आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वो दबा के आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें सारा का सारा सामान जो है वो मैंने दिखा दिया होगा कि कौन कौन सा सामान इसका आया था। ये इंटरसेक्शन लाइट बड़ी है जी, इसको मैंने अलग कर लिया इस फ्रेम में से। तो अब ये हमारे बम्पर वाले भाई वो इसको फुमाइश कर रहे हैं, फुमाइश के बाद इसकी कटिंग करेंगे, और इसके बाद इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं ये हमारे से किस तरह से इंस्टॉल होती है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोगों ने भूल जाना है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ये जो लाइट्स हैं और इंटरसेक्शन लाइट्स और हेड लाइट्स, ये आप लोगों को कैसी लगी। अभी ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है आपके सामने हम दिखाते हैं आपको। ये इसकी पैमाइश कर रहे हैं, और इसकी कटिंग जो है फिर वो हम करते हैं। तो भाई जी, इसकी निशानदेही जो है वो हमने सही तरीके से कर ली है, तो ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, कभी ऊपर से ऊंची, कभी यहाँ से नीचे, कभी यहाँ से ऊपर, तो ये सारा हिसाब किताब इसका ये आप देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा निशान लगे हुए हैं इसके, तो ये कभी इधर से मिटा रहे हैं, कभी इधर से मिटा रहे हैं। ऊपर पहले लगाई, वहाँ पे सही नहीं लग रही थी, तो अब फाइनल की है ये वाली जगह, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगी। तो इसी तरह से अब दूसरी साइड पे इसके जो निशान है वो कंप्लीट करते हैं। लाओ साजी, इस साइड पे निशान शुरू कर दो, कटाई कर ली है, चलो करो। भाई रंग ना साड़ना सर, की हो गया, की हो गया, तो मेरा मेरे बैठा पसंद कर लिया है।
फ्रंट आओ शाही बंपर होंगे। अच्छा जी, ये हमारी कटाई उस्ताद उन्होंने कर दी है सारी की सारी, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये गैप अब किसी तरह से क्लियर करना है हमने, और बम्पर भी नीचे उतार लिया हमने, और साथ लगते हाथ इसके जो लाइट्स हैं वो भी मैं चेंज करता हूँ। अरे एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में औजार, इस तरह काम थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करते हैं इसकी लाइट्स भी अब खुद ही चेंज करते हैं। ये जो गैप है, गैप के लिए ये साधन इसको जो है थोड़ा सा गर्म करके इसको बैठ देंगे, ये जाएगी इसका जो गैप है वो ख़त्म करें हम, फिर इस साइड से कटाई करेंगे। अभी इस साइड से कोई काम नहीं हमने छेड़ा, अभी वो वाली साइड क्लियर करेंगे, उसके बाद इस साइड पे आएंगे। लें जी, हमारी एक साइड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसका जो गैप आ रहा था वो भी पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर लिया, वो इस तरीके से किया जिस तरह ये उस्ताद साहब हमारे लगे हुए हैं दूसरी साइड को करने। तो ये गर्म करके इसका थोड़ा सा अंदर से जो हिस्सा है वो हमने बाहर निकाला है, और अब दूसरी भी इंस्टॉल करके तो फिर वो आपको चेक करवाते हैं दोनों की फाइनल लुक। इंटरसेक्शन है वो तो इंस्टॉल हो गई है, काफ़ी खपाया इन्होंने, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है इनकी। और दूसरी साइड की आपको चेक करवाते हैं, ये चेक करें जी, बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है इनकी। और अब ये कुछ कनेक्शन किए हैं मैंने, वायर्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट करूंगा मैं, और इसके बाद जो हेडलाइट्स हैं वो इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जितना भी सारा का सारा काम था हेडलाइट्स की फिटिंग का और उसके बाद इंटरसेक्शन लाइट्स की फिटिंग का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कंप्लीट हो गया। और काफ़ी जलालत थी इसमें, इस काम में, क्योंकि जो इंटरसेक्शन लाइट्स थी उनको वो जो हीट दे के हमने सेटिंग की थी उसकी वजह से बम्पर की शेप काफ़ी आउट हो गई थी, और उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और अभी आपको इसकी फाइनल लुक्स चेक करवाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर, और घर इस टाइम काफ़ी रौनक लगी हुई है, काफ़ी जो मेहमान आए हुए हैं क्योंकि घर शादी का माहौल चल रहा है। तो आपको चल के सारों के रिएक्शन चेक करवाते हैं, उसके बाद आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो चेक करवाते हैं। हाँ जी सुनाओ। और भाई क्या हाल है? क्या बात है, भाई रिएक्शन है अच्छा सा बहुत खुश है। ये ऊंची करवाई है शादी के लिए, ये बस लगा लिए जी। कैसे लगा लिए दोनों? एंड लेवल। मैंने कहा था ना कि वो दूसरा गोल बल्ब नहीं अच्छा लग रहा, बैटरी वाला गोल लेवल का थोड़ा सा आगे तो कर रहे। हां जी भाई सुनाओ। अभी रह गए तो कमाल, ये तो हैवी हो।
ये इसके अंदर वो दूसरे बल्ब लगाए हैं जो ऊपर वाले थे, हाँ। वो नीचे लगा दिए, सही किया। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद ये DRL हो गए, उसके बाद ये हेडलाइट में LED हो गई, उसके बाद इसके ऊपर पेपर लगाया है। ये पेपर लगाया है इसके ऊपर, इसके ऊपर पेपर लगाया है। हाँ, ये पेपर लगा हुआ है। ब्लैक पेपर है? नहीं, ये है दूसरा, ट्रांसपेरेंट है। हाँ, ट्रांसपेरेंट है। सेफ्टी की, सेफ्टी। हाँ, लुक अपीर है। 10x10 कितने बाय कितने? 10x10 10x100 मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे आप माफ कर दें, मुझे आप ये माहौल है जी सारा जो कि इस टाइम गली में चल रहा है। पैटर्न इसका आप चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लाइन एक दे रही है। और उसके बाद हाई के ऊपर फुल, ऊपर लो पे फुल सीधी। हाँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। घुमा तो गए हो, ये तो घर के सामने हो। ये लाइटें चेक करो कैसी हैं, वो आगे वाली। हाँ, कैसी हैं? हाँ भाई, बताओ कैसी हैं? सही लग रही हैं? अच्छी। खुद ही लगाई हैं। की हाल चाल है, ठीक हो ना? बेटो सही दे, अच्छा ही दे, सही दे। लाइटें चेक कर कैसी हैं? मैं कर लिया है। ये चेक कर, अगो लोग चेक कर रहे। कैसी है चाचू की गाड़ी? अच्छी है, अच्छी है। हाँ भाई, कैसी है? कमाल है, कमाल है। चस करा देती। ये चेक करो। सुनाओ, साइड वाली कैसी लग रही है? एक सेकंड, ओए इधर आ जा। लो जी, फोटो शूट भी शुरू हो गया गाड़ी का। तब एक सेकंड, अब इसका व्यू चेक करो आप। ये चेक करो, बिल्कुल सीधी लाइन है। ये लो है, ये हाई है। Thank you.